कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने आम जनता से इस मामले को लेकर सतर्कता बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की है। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने आम जनता से इस मामले को लेकर सतर्कता बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला के लोगों को कोरोना वायरस को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस वायरस को लेकर अफवाहें फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि सरासर निराधार है। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज नीरचौक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नीरचौक मेडिकल कॉलेज में हर रोज वायरस से ग्रसित मरीज इलाज करवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं, जो कि एक रूटीन प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि यहां स्थिति बिल्कुल सामान्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से सचेत है, इसलिए किसी भी नागरिक को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट, सभी लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो सभी लोगों को इम्पार्ट की जा रही है, ताकि पूरी तरीके से जिला मंडी में हम इसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। कुछ अफवाहें कहीं फैल रही है, उसको हमने इमीडिएटली काउंटर किया है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अफवाहों पे जो है इसे बचे, इसमें विश्वास ना करें, और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है हम मेडिकल डिपार्टमेंट मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जहां नीरचौक की जो अफवाह है उसमें बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो वायरल से आजकल बीमार चले हुए, उस तरह से काफी लोग जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो उसमें कोई कोरोना वायरस की बात नहीं है। तो इस तरह की अफवाह जो है पहले थी, उसको खारिज करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इन विषय में ध्यान ना दें। सर, सुना सेंटर से ऑर्डर आएंगे शहर को सैनिटाइज करें? नहीं, ऐसे कोई निर्देश नहीं है। जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, मेन इसमें जो बचाव का प्रयास है वो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। हम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि लोग जो है कंप्लेसेंट ना हो इस विषय में, क्योंकि आज के दिन में हिमाचल में कहीं पर भी कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लेसेंट हो, और जो एडवाइजरी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा इश्यू की जा रही है उसका पालन ना हो। हमने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग यही तरीका है इसका बचाव का। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोग अनावश्यक रूप में घर से बाहर ना निकले, सिर्फ आवश्यक है उन्हीं लोग बाहर निकले। दूसरी चीज, अगर बाहर निकलते हैं तो लोगों से एक मीटर की दूरी बना के रखें, दूर दूर से चलें, हाथ ना मिलाएं, बाकी जो है वो एक दूसरे से टच अवॉइड करें, और घर जैसे जाते वापस तो अपने हाथ धो लें। यही तरीका है जिसमें कि मास लेवल पे इस डिजीज को स्प्रेड होने से हम बचा सकते हैं। मैं पुनः एक बार लोगों से अपील करता हूं कि जो एडवाइजरीज प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इश्यू होते हैं, उसका सख्ती से पालन किया जाए। सभी जो मिलजुल कर ही संभव हो पाएगा कि हम इस बीमारी को यहां पर हमारे लिए ना आने। मंडी जिला में मंदिरों को लेकर हमने बात की हुई है, समीक्षा इसमें कर रहे हैं। बहुत बड़े मंदिर यहाँ पर है नहीं, पर जो भी मंदिर हैं उसमें नवरात्रों के समय जरूर काफी लोग आते हैं, तो उसमें एक एक करके जितने छोटे मंदिर हैं उन कमिटीज की थी। मंदिर जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, तो इसलिए उन मंदिर कमेटी से बात की जा रही है, और मंदिर कमेटी भी जहां पर बात कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, और सभी लोग उस फेवर में है कि भीड़ को अवॉइड करने के लिए मंदिर या तो बंद रखा जाए या कुछ इस तरह की व्यवस्था की है। तो जैसे जैसे एक एक करके मंदिरों का फैसला होता है वो हम प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।